नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये मेरे एक प्रोजेक्ट का एक सीरीज़ का एक पार्ट है कि आप किस तरीके से एंगुलर 5 प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक कॉलेप्सेबल नेवबार आपको यहाँ क्रिएट करना है। जैसे हम जानते हैं कि कॉलेप्सेबल नेवबार जो होता है वो रेस्पॉन्सिव होता है, यानी कि स्मॉल डिवाइसेस पर आपको वो तीन बटन्स, तीन एरोज दिखाई देंगे, क्लिक करोगे वो आपका नीचे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बनानी है। तो इसे हम जनरली इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर आप बूटस्ट्रैप 4 के अंदर या 3 के अंदर काम करते थे तो आपको दो फाइलें ऐड करनी पड़ती थी, एक तो jQuery min.js यानी कि jQuery का रेफरेंस, और एक आपको popper.js। ये दो फाइलें आपको ऐड करनी होती, बट एंगुलर के अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि जब आप एंगुलर पे डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में आपको jQuery और popper.js का रेफरेंस यूज़ में नहीं लेना चाहिए। तो हम ये काम किस तरीके से कर सकते हैं, आपको एंगुलर 5 के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ये किस तरीके से करना है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एंगुलर 5 प्रोजेक्ट के अंदर आपका बूटस्ट्रैप को ऐड करना बताऊंगा। तो ये मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट कर चुका हूँ। आपको बूटस्ट्रैप को ऐड करने के लिए आपको यहाँ कमांड लिखनी पड़ेगी npm, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, हाँ, npm install -save बूटस्ट्रैप। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि -save का मतलब है कि package.json जो फाइल होती है आपकी, उसके अंदर ये रेफरेंस ऑलरेडी आपका ऐड हो जाएगा। तो इट विल टेक सम टाइम, आई एम पॉजिंग दिस वीडियो। सो गाइज, आप यहाँ मैसेज में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बूटस्ट्रैप 4.1.3 आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। आप चाहें तो package.json के अंदर भी जाके इसका रेफरेंस देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखें कि बूटस्ट्रैप का रेफरेंस जो है आपका यहाँ पर वो यहाँ ऐड हो चुका है। तो बूटस्ट्रैप यहाँ ऐड हो चुकी है, आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाके देखेंगे तो आपको यहाँ बूटस्ट्रैप का रेफरेंस भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ जाके देखिए बूटस्ट्रैप, आप देखेंगे तो यहाँ आप जाएँ डिस्क के अंदर CSS में जाएँ और आपको यहाँ bootstrap.min.css यहाँ मिल जाएगा। अब जो सेकंड थिंग जो है आपको जो इम्प्लीमेंट करनी है, वो आपको ये करना है कि आपके जो bootstrap आपने यहाँ क्रिएट किया है, यानी कि नोड मॉड्यूल आपने जो ऐड किया है, अब इस नोड मॉड्यूल का रेफरेंस आपको अपनी ग्लोबली अगर एक्सेस करना है तो आपको इसे यहाँ style.css के अंदर देना होगा। तो ये हम किस तरीके से दे सकते हैं, टाइम बचाने के लिए मैं आपको यहाँ दे देता हूँ कि आपको यहाँ इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी होगी। तो आप क्या लिखें, @import और नोड मॉड्यूल्स बूटस्ट्रैप डिस्ट और css bootstrap.css, यानी कि ये आपका रेफरेंस है जो आपने नोड मॉड्यूल अभी ऐड किया है। तो इससे क्या होगा, आपका नोड मॉड्यूल यहाँ ऐड हो चुका है। इसे समझने के लिए और देखने के लिए अपन एक चीज़ और कर देते हैं कि index.html के अंदर जो app root आ रहा है आपका, इसके अंदर आप सेट कर दीजिए div class equal to container। ओके, ये आपने कंटेनर और फ्लूड का और यूज़ कर लेते हैं हम। तो कंटेनर फ्लूड आपने यहाँ दे दिया, जो कि आप जानते हैं कि एक बूटस्ट्रैप की क्लास है। आप यहाँ ऐड कीजिए, सेव कीजिए। अब आप इसे रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो मैं इसे रन करा देता हूँ, ng serve -o। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये आपके सामने वीडियो का आउटपुट आ चुका है, यानी कि जो आपने कोड किया था वो आउटपुट आपके सामने आ चुका है। बूटस्ट्रैप 4 यहाँ हमारा ऐड हो चुका है। अब देखिए, मुझे मेरा टास्क ये नहीं है, मुझे करना क्या है कि एक नेवबार क्रिएट करना है, कॉलेप्सेबल नेवबार। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये एक नेवबार है। कॉलेप्सेबल नेवबार का मतलब होता है कि स्मॉल स्क्रीन पर जो आपका नेवबार होगा, मतलब वो कम्प्लीटली एक बार में नहीं दिखाई देगा, वो क्लिक करने पर ही आपको शो होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जो कोड है मेरा, वो कोड भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा मेरे ब्लॉग पर, जिसका भी रेफरेंस मैं नीचे आपको यहाँ दे दूंगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला जो काम होगा यहाँ पर कि आपको एक हेडर डिज़ाइन करना है। देखिए, हम प्रोजेक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम कोई भी अगर एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ng generate component, और मैं एक कंपोनेंट जो बनाना चाह रहा हूँ दैट इज़ हेडर, और इसके अंदर मैं कोई स्टाइल शीट वगैरह अलग से ऐड नहीं करना चाहता। तो -is और -it का यूज़ करके आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेगा जिसके अंदर दो फाइलें होंगी। ओके, तो ये आपका एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ जाके देखें तो ये हेडर मेरे यहाँ क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर header.component.ts फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने कोड यहाँ से ऐड किया, यानी कि ये हेडर है एक्चुअल में मेरा, तो इस कोड को यहाँ से कॉपी करके, और कॉपी करने के बाद इस हेडर सेक्शन के अंदर मैं इसे ऐड कर देता हूँ। राइट, तो ये मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका fcomponent.html है, जो कि आपका bootstrap component होता है जो सबसे पहले execute होता है, मैं एक बार इस कोड को यहाँ से complete हटा देता हूँ, मुझे इसकी as such कोई requirement नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ लिख देता हूँ app header। ये app header क्या है, ये selector है आपका header component.ts का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये reference मैंने add कर दिया, इसका मतलब ये मेरा header ही रन होगा। तो इसे आप दोबारा से रन कराइए, रिफ्रेश कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर header मिल जाएगा। ओके, ये मैंने पॉज कर दिया था एप्लीकेशन को, सबसे पहले मैं यहाँ से रन कराऊंगा। ng serve -open कमांड लिखकर आप इसे रन करा सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही। तो
आप देखें ये आपके सामने एक कॉलेप्सिबल नेवबार आ चुका है। अगर आप इसे टैप दबाएंगे तो आप देखें यहाँ जो स्मॉल स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वर्क क्यों नहीं कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलेप्सिबल नेवबार बनाने के लिए ये वर्क कैसे करेगा, क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो कॉलेप्सिबल नेवबार बनाने के लिए आपको क्या है कि jQuery.js और popper.js का रेफरेंस आपको यहाँ ऐड करना पड़ता है, लेकिन आपने ऐड तो किया ही नहीं, ठीक है ना। और एंगुलर रिकमेंड भी नहीं करता कि आपको ये ऐड करना है। तो अब ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ये जो कॉलेप्सिबल बार है आपका कब शो होना चाहिए, शो कब करना है आपको, ये डिपेंड करेगा किस पर, आपके कोड पर, यानी कि हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। अगर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डिप क्लास कॉलेप्सिबल नेवबार ये आ रहा है, आप इसके अंदर एक क्लास को और ऐड कर दीजिए, लाइक मैंने ऐड कर दिया शो। ये शो क्लास क्या करती है, ये शो क्लास आपके ऐड करती है यहाँ पर कि ये कब शो होगा कब नहीं होगा। यानी कि आप देखिए, अब मैं इसे स्मॉल करता हूँ तो आप देखिए जो आपने हेडर के अंदर लिंक दिए हुए थे वो एज इट इज़ यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने शो को सेट कर दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो शो होगा इसे आपको डायनेमिकली अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप डायनेमिकली अपडेट करेंगे, इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे। अगर आपने शो को ऐड कर दिया तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ये शो होगा। तो ये काम हम किस तरीके से करेंगे, चलिए हम वो देखिए। इस चीज़ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप अपने बटन के ऊपर यहाँ एक क्लिक इवेंट को रजिस्टर कर दीजिए। तो यानी कि ये क्या हुआ, इवेंट बाइंडिंग हो गई, इसमें मैंने क्लिक पर टॉगल नेवबार के नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये क्या करेगा, क्लिक करने पर ये टॉगल नेवबार को कॉल करेगा। हालांकि मैंने अभी तक इसका कोई भी कोड नहीं किया है, आपको component.ts फाइल के अंदर यानी कि header.component.ts फाइल के अंदर ही आपको इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक तो आपने ये चीज़ कर दी। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपको यहाँ पर एक क्लास को ऐड और करना पड़ेगा, और वो हम क्लास किस तरीके से ऐड करेंगे, यूजिंग ng क्लास। आप जानते हैं ng क्लास एक डायरेक्टिव है जो एंगुलर आपको प्रोवाइड करता है। इस ng क्लास के अंदर आपको यहाँ नेवबार ओपन की जो प्रॉपर्टी है इसको आपको क्या करना है, एक्चुअल में ये ng क्लास करेगा क्या, इस पर्टिकुलर डिप के अंदर इस क्लास को ऐड करेगा। क्लास का नाम क्या होगा, शो क्लास। जैसे आपने देखा था कि शो क्लास ऐड करने पर ही आपका वो शो होता है, और ये डिपेंड करेगा नेवबार ओपन के ऊपर, यानी नेवबार ओपन के अंदर जो वैल्यू होगी आइदर ट्रू और फॉल्स, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये शो आपका शो होगा या फिर आपकी क्लास ऐड होगी या हाइड होगी। जिस तरीके से आप जेक्वेरी में क्लास को ऐड करते थे ऐड क्लास का यूज़ करके या रिमूव क्लास का यूज़ करके आप करते थे, वही चीज़ आपकी यहाँ इंप्लीमेंट हो रही है। तो आपको नेवबार ओपन के अंदर ही वैल्यू को सेट करना है आइदर ट्रू और फॉल्स। ये आप जानते हैं कि एक बहुत ईजीएस्ट टास्क है और ये आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, देखिए सिंपल सा कोड है। आप यहाँ पर क्या करें, नेवबार ओपन के नाम से आपने प्रॉपर्टी यहाँ डिक्लेयर की हुई है, इस प्रॉपर्टी के अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने फॉल्स सेट कर दिया, यानी कि शो क्लास आपकी बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगी। और टोगल नेवबार जो कि आपने एक बटन के ऊपर आपने एक इवेंट को रजिस्टर किया हुआ है, इवेंट का नेम लिखा हुआ है, तो टोगल नेवबार के ऊपर आप जाके नेविगेशन ओपन के अंदर इसकी जो भी नॉट वैल्यू है, यानी कि अगर ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, तो रिवर्स वैल्यू आपको यहाँ पास करनी होगी। तो ये टोगल का इफेक्ट आपका यहाँ वर्क करेगा, और इसके वर्क करने के बाद ही आपको यहाँ आउटपुट मिल पाएगा। तो चलिए अब अपन इसे देखते हैं कि क्या ये मेरा टास्क परफॉर्म हो रहा है। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ इशू है इसके अंदर, लेकिन आप देखें कि ये आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, यानी कि टोगल इज़ वर्किंग नाउ, लेकिन कुछ ऐड करने में कुछ इशू है। ओके गाइस, जो इशू है वो ये है कि आपने यहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया। अब आप इसे सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद आप दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करेंगे, आप इसे कॉलेप्स कीजिए, तो आप देखें ये आपका सामने इस तरीके से ओपन हो रहा है। तो जो भी ये कोड है जो मैंने कोड किया है, ये मैं आपको नीचे सब अपने वीडियो लिंक के नीचे आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा कि आप इस सोर्स कोड को यूज़ में ले सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।